हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एयर कंडीशन का काम सीखने के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है, स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। ये चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान ट्रिक एंड टिप्स के साथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है। दोस्तों से रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला हिम्मत मिले। थैंक यू। पकड़ो भाई, पकड़ो भाई। एक साइट पे विजिट किए हैं, कमिश्निंग स्टार्टअप, थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे और जो जो बस जरूरी चीज़ है उसको उस वीडियो पे लाएंगे। कमिश्निंग स्टार्टअप के लिए विजिट किए हैं साइट पे, 90 TR का चिलर है, दो कंप्रेसर है, यानी 90 TR को तो मैं आप दाम बहुत ज्यादा है इसके लिए, पांच वाल सेक्शन और डिस्चार्ज का वाल, ये दो वाल चार्ज वाल स्टार्टअप से पहले लिक्विड इंजेक्शन वाल, ठीक है, देख बैक साइड में देख, हॉट गैस बाईपास वाल लिक्विड इंजेक्शन का एक वाल, लिक्विड लाइन का अंदर ये वाला, तो ये हमें वो वाल खोलना है जो अंदर बंद आता फैक्ट्री का बॉक्स के अंदर, ये दो वाल हो गया, थोड़ा कंजेस्टेड है, थोड़ा दिक्कत होता है, इजीली नहीं खुल रहा है, तो इसको हम लोग खोल, आपको सेक्शन वाल खोलना है, ये दोनों खोल देना है, चार्ज वाल का तीन वाल बॉक्स के अंदर में सेक्शन से चार आपको डिस्चार्ज का इंजेक्शन का और बाद में इधर आ जाओ लाइन के पास नीचे आने जा रहा है, वो वाल खोलना है, वो क्या है यहाँ पर ये खुला हुआ है फैक्ट्री, ये हॉट गैस बाईपास वाल लेकिन चेक करना, चार हो गया, क्या क्या चेक करना वो हम बता रहे हैं आपको, ये हो गया, बाद में आपका एक हो गया है एक आपका लिक्विड लाइन का वाल, यानी कि टोटल पांच वाल एक कंप्रेसर का, पांच वाल एक सिस्टम लिक्विड लाइन लिक्विड इंजेक्शन का, हॉट गैस बाईपास वाल और लिक्विड लाइन का, पांच वाल खुला है, सेम है सब, ठीक है, ओके, बाद में आ जाइए इधर अभी कुछ इंतजामी कर लिया, पूरा वायर का भी चेक कर लीजिए, तो वायर का भी छूटना नहीं चाहिए, वायर किसी कीमत पर नहीं चलना के टाइम में, ओके, क्योंकि बाद में आपका उसमें कंप्रेसर टाइम में जो वायरिंग थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, तो किसी भी कीमत पर गार्ड लगा लो पहले, बंद बाद में आवाज कंट्रोल पैनल खोल दो, कंट्रोल पैनल जितनी भी वायर नजर आ रही वन बाई वन टाइट होना है, किसी भी कीमत पर जितने जो वायर नजर आ रहे हैं टोटल पूरा वायर को टाइट का आवाज एक बार चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है, सब कुछ देखो, अभी नहीं हुआ है, लेकिन यही है, इसीलिए हम बोलते हैं क्या बोलते हैं री चेक करना है, तो टाइट करने से पहले इसको देख लो, ऑन तो कोई किसी ने ऑन कर दिया है, मान लो टेक्नीशियन सोचता है कि अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, वो हाथ लगाता तो बाद में दिक्कत मिलती रहता है, ओके, तो इसको आप ऑफ कर लें, ठीक है, अब उसके बाद पूरा टाइट करो, इसलिए किसी कीमत पर भी याद रखा करो, छोटी छोटी गलती बड़ा हो जाता है, मिलते रहते हैं, ओके, तो पूरा वायर हम बार बार टाइट करेंगे, ठीक है, वाल खोलेंगे, बस इतना सा काम है, बाद में वाटर फ्लो स्विच का वायर ला के उसमें वाटर फ्लो स्विच का वायर नहीं ये लगाएगा, ओके, इसको बुलाओ, क्या घटिया काम है, ध्यान रखिए, ये वाटर फ्लो स्विच का वायर है, जॉइंट वायर पुराना वायर लग रहा है, बस ये तो सिंगल वायर देगा, सिंगल वायर लेकिन ठीक है, देखो ला के रखा है, ओके, उसके लिए मुझे ऐसा लगा तो भी टाइम स्टार्ट कर देंगे, तो ज्वाइंट करना, ठीक, इंस्टॉलर टेक्निकली गलती है, इतना बड़ा अच्छा लग रहा है, तो उसको एक सिंगल बेड आना चाहिए, ज्वाइंट करके डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेस्ट तो खैर अभी जो मुश्किल नहीं, ओके, ये हो गया, इसको स्टार्ट, यहाँ देखो, ओके, जो है वाटर फोर्स इसका वायर लगा लिया, मोटर जो है कई बार बोला है मोटर का वायर लगेगा, ये लेवल कंट्रोल से कनेक्शन होकर वो वाटर फोर्स स्विच का वायर 10 है, ये वाटर फोर्स स्विच का वायर है, ये लेवल और 11 ए और 11 डबल है, वाटर फोर्स स्विच का वायर, ठीक है, हो गया है, सब ऑन है, सबसे पहले ऑन करने से पहले नॉर्मली वोल्टेज चेक कर लेंगे, वोल्टेज सब ले लिए, वोल्टेज ले लिए, लाइन 1 लाइन 2 में 389 है, 390 या 380, वोल्टेज आपका 389, ठीक है, ओके, कंप्रेसर स्टार्ट से पहले सब ओके, अब उसको चालू कर दिए, कंट्रोल स्विच ऑन कर दो, कंट्रोल स्विच को भी ऑन कर दिए, सिर्फ अभी सिलेक्टर ऑन नहीं किए, सब पहले सेटिंग थोड़ा देखेंगे, सब सेटिंग वगैरह ओके, स्विच को ऑन रखें, पानी फ्लो सब ओके, कंट्रोल स्विच ऑन नहीं है कि डिस्प्ले नहीं है, तो हमें पहले कंट्रोल स्विच ऑन करके डिस्प्ले सब चेक कर सब ओके है कि नहीं, ओके, इसका डिस्प्ले में जाएंगे, ठीक है, डिस्प्ले रन, स्टॉप स्विच ऑफ, अभी ऑफ है, ऑन नहीं किए, सबसे पहले मेनू में जाओ, ओके, मेनू में जाके
आपको आपको जाना होगा इनपुट्स में, इनपुट्स में जाकर एंटर करो। हाँ, चालू करने से पहले चेक करना होगा। सबसे पहले क्या देखना है, फ्लो स्विच देखना है, फ्लो स्विच यस है, ओके। पम्प इंटरलॉक वो भी यस है, यस होना चाहिए अभी दोनों, फ्लो स्विच और पम्प इंटरलॉक दोनों यस होना चाहिए। पम्प इंटरलॉक यस नहीं होगा तो चालू नहीं होगा, ओके। बाद में हम जाएंगे, ओके। हाँ, डिफरेंशियल 3.7 है, कितना होना चाहिए वो कुछ फैक्ट्री सेटिंग में दिखाएगा, हम वहाँ पर जाएंगे बाद में, पहले उसको देखना। मिनिमम ओके है, मैक्सिमम ओके है, PSI ओके है। बाद में आपका फ्लो ओके है, चारों यस है, ओके। अब जो डिफरेंशियल है कितना आ रहा है, 3.7, फैक्ट्री में जाना पड़ेगा देखने के लिए, ठीक है, ओके। मेनू प्रेस करो, पासवर्ड में जो एंटर करो, फैक्ट्री पासवर्ड है नहीं बताएंगे, एंटर करो। मेनू में जाओ, सेट पॉइंट में जाओ, एंटर करो, F2 प्रेस करो। हाँ, सेटिंग दिख गया है, लो डिफरेंशियल 1.9 है और मैक्सिमम आपका जो हाई है वो 9.5 है, ओके, इसके बीच में रहना चाहिए, ठीक है। आप सब ओके इंशाल्लाह, ओके, एंटर कर लो। हाँ बोलो, ओके, स्विच ऑन कर दिया है, ओके। अब आप क्या है वहाँ देख, रीड लोडिंग है ना, रीड से लोडिंग, वांटेड एक्चुअल डिमांड में दे दिया, एकदम तैयारी में, एकदम चालू होगा वोल्टेज चेक करना होगा, कितना वोल्टेज ले रहा है, कितना ड्रॉप हो रहा है, चालू हो गया, ओके। 25 है, तीनों में चेक करो, सब में पूरा 6 में, ओके ओके, सब लाइन में चेक करो, ओके। वोल्टेज चेक करना है, कितना है वोल्टेज, लाइन 1 लाइन 2 में था 389। पूरा कंप्रेसर ऑन हो गया है, ठीक है, आपका जो एम्पियर ले रहा है 36 एम्पियर ले रहा है, ओके। टोटल हमने सब कुछ चेक कर लिए, ये दूसरा कंप्रेसर, ओके, दोनों कंप्रेसर चालू करते साथ ही माशाल्लाह एकदम सडनली वाटर टेंपरेचर डिक्रीज हो गया, वाटर टेंपरेचर देखो 24 आ गया, 24-25 आ गया, ओके, जबरदस्त, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर इंशाल्लाह इसमें और डिटेल में वीडियो बनाएंगे। काम का प्रेशर लोड बहुत ज़्यादा है, तो जितना भी मौका मिल रहा है टाइम के बीच में, उसमें जैसा टाइम मिल रहा है मैं वीडियो बना रहा हूँ, ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।